सूर्य उदय हो चुका है। Have you ever met someone? गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का 4 बजने वाला है और हम लोग निकल चुके हैं कोसी का विसर्जन करने के लिए, और इसके बाद आएंगे और फिर जाएंगे दौरा लेकर पोखरा के पास सुबह के अर्घ के लिए। कुछ ही देर में कोसी का हम लोग विसर्जन करने वाले हैं, क्या करना है, उसका पूजा करें कोसी का। और गाइज यहाँ पे सभी लोग अपने अपने कोसी का पूजा कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है, और सीढ़ी पे भी सभी लोग अपने अपने कोसी का पूजा कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सब दिए से जगमगा उठा है पूरा सीढ़ी। और कोसी का पूजा करने के बाद सभी लोग कोसी का विसर्जन कर देंगे। गाइज हम लोगों ने भी अपने कुर्सी का पूजा कर लिया है, चलिए उसका भी विसर्जन कर लेते हैं। जय। और ये देखिए हम लोग का कोसी का विसर्जन के लिए बनाया गया है, और इसमें विसर्जन हो गया, आप देख सकते हैं ये सब सारे कोसी है। और इसका व्यवस्था अलग से कमेटी की तरफ से किया गया है ताकि तालाब में कोई ना डाले। अभी हम लोगों ने कोसी का विसर्जन कर लिया, और चलिए हम घर चलते हैं मम्मी के साथ। और ये देखिए हम लोग पता है कि ये अपने विसर्जन के लिए आए हैं, और इनका भी कोसी विसर्जन हो गया। और लाइक करें और शेयर करें, और गढ़वाल समाज आपका स्वागत करता है। और ये है मेरे दोस्त लोग लाल जी और रॉकी। A few moments later. और गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, देखिए इसके बाद फिर मम्मी के साथ जाना है घाट पे। अभी तक सोया है, देख लीजिए घोड़ा बेचकर। उठ। सब लोग रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है, दौड़ा भी मम्मी सरियाली है, चलिए चलते हैं हम लोग घाट पे। और गाइस देखिए ये कितना केजी मेकअप लगाई है। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। चलो चलो सब जल्दी। ये देखिए कोलगेट से मुंह धोइए, ज्यादा दांत दिखा रहे हैं। Thank you.
आ चुके हैं पोखरा पे, चलिए चलते हैं। और गाइज फैमिली के सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं पोखरा पे। इसके बाद मम्मी सीधा अभी पोखरा में जाएगी स्नान करने के लिए और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देगी। रवि जी और गाइज अभी मम्मी जा रही है नीचे देखिए स्नान करने के लिए। और गाइज ये रहा पोखरे का ओवरव्यू, देखिए चारों तरफ से भक्तगण सूर्य देव को अर्घ देते हुए। और ये रही मम्मी, देखिए नीचे पूजा कर रही है पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है। और ये रहा मेरे कैमरे का जूमिंग पावर, देखिए कितने दूर से मैंने सीन को कैप्चर किया है। और गाइस चलिए अभी मैं आपको अपने दोस्त लोग और सब्सक्राइबर लोग से मिलवाता हूँ और अपने गांव के लोगों से भी मिलवाऊंगा। बहुत लोग मिले वहाँ पे घाट पे और देखिए सब कितने खुश हैं। कैसे लग रहे हैं चश्मे पे बता। और गाइज ये देखिए हमारे पोखरे में एक नाव आ चुका है, इतना बड़ा नाव आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। ये रहे नाव के मालिक हाथ हिलाते हुए, देखिए। चलिए हम लोग मंदिर में चलते हैं और मंदिर की छत से सूर्य उदय का सीन कैप्चर किया जाए कैमरे में। और गाइज मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, देखिए सभी लोग पूजा करने के लिए आए हैं मंदिर में अभी। आ चुके हैं राम मंदिर में, चलिए आपको हम दर्शन करवाते हैं भगवान का। और गाइस ये रहा राम जानकी का मंदिर, भीड़ ज्यादा था इसलिए मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया। और गाइस यहाँ पे जो बाबा लोग का मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं बाबा लोग ने इस मंदिर को बनवाया है। अभी ये लोग इस दुनिया में नहीं है पर इन लोगों का पूजा होता है यहाँ पे। और देखिए मंदिर में कितना भीड़ है, चलिए छत पर चला जाए। सूर्य उदय हो चुका है। सर मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। और गाइस ये रही मेरी माँ पूजा करने के लिए आई है मंदिर में। माँ, मम्मी। और गाइस यहाँ पे हो रहा है हम सब भाइयों का फोटो शूट। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और गाइज अभी होगा हम लोग का फैमिली लोग का फोटो शूट, देखिए सब कितने खुश हैं। साल में एक ही बार यह मौका आता है जब पूरा परिवार एक साथ हम लोग होते हैं। गाइज मेरी माँ अभी तिलक लगा रही है, देखिए चलिए बाकी लोगों से मैं मिलवाता हूँ। ये मेरी दादी है देखिए, और ये भी मेरी दादी है, और ये मेरी आंटी है, और ये मेरी छोटी दादी है, और ये मेरी आंटी, और सबसे लास्ट में मेरी बड़ी दादी है। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गाइस अभी पूजा संपन्न हो चुका है, चलिए अब हम लोग चलते हैं घर पे और प्रसाद खाएंगे वहाँ पे। चलिए बस। बोले छठी मैया की जय।
और गाइस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था यहाँ से, पर घर भी तो जाना था, अब अगले साल आया जाएगा छठ पूजा के टाइम। कैसा लगा छठ पूजा आराम से? मजा नहीं आ रहा है। 3, 2, 1 देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और पानी भी लेकर अमन रेडी है। देखिए अभी हम लोग सबका पैर धोएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। बोलिए अमन जी। क्या बोले हम? अमन जी सरमार। इसको कोई मतलब नहीं है, अपना चैन से सोया है बेचारा। A few moments later. अरे रुक, ये हमारा पानी बाहर। रुक 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 रुक। मेरा पानी लेता है तुम? और गाइस सभी लोग आ चुके हैं घर, चलिए सब लोगों का पैर धोया जाए और उनसे आशीर्वाद लिया जाए। हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, जितने भी लोग व्रत किए रहते हैं उन सभी का पैर धोकर सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं। और गाइस कुछ इस प्रकार से हुआ हम लोग का छठ पूजा सेलिब्रेशन। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसका पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख लेना। भैया की वीडियो को चैनल को।